मंगलवार को शिक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों को भी शुभारंभ करेंगे। इस क्षेत्र सम्मेलन में देश भर से बड़े संख्या में शिक्षक, अभिभावक, छात्र शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज सोमवार को नई दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे और ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। केरला में निपाह वायरस का असर शुरू। केरला में अब निपाह वायरस का आतंक देखने को मिला है। इस वायरस के कारण 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 168 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तालिबान का क्रूर चेहरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बनाए सख्त नियम। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। तालिबान ने फरमान जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों को अबाया रूप और निकाब पहनकर आना होगा, ताकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका रहे। लड़के और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग चलाने का भी आदेश दिया गया है। अगर क्लासेस अलग नहीं चलती हैं, तो लड़के और लड़कियों को अलग कतार में बिठाकर बीच में पर्दा डालने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, तालिबानी आदेश के मुताबिक छात्राओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक रखने का आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक अगर ऐसा ना हो सके तो किसी बूढ़े पुरुष अध्यापक को उनकी जगह पर लगाया जाए। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को लेकर तालिबान ने एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है। तालिबान ने भले ही स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी छात्रों और अध्यापकों में डर का माहौल है। पंजाब से सेंगू बॉर्डर आया किसानों का जत्था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध महीनों से जारी किसान आंदोलन अब और तेजी से होने जा रहा है। किसान संगठनों ने मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान किया है, साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ाई जा रही है। हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली से सटे इलाकों में पहुँच रहे हैं। बड़ी तादाद में किसानों के रेल अमृतसर से आज दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उनके ट्रैक्टर ट्रालियों पर खास तरह के तंबू नजर आए। ट्रैक्टर ट्रालियों पर ऐसे तंबू लगे हैं जो कि उसमें बैठे लोगों को धूप और बारिश से बचा सकते हैं। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कल अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तब किसान मजदूर संघर्षन। सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए परिवार ने रखा ऑनलाइन प्रेयर मीट। एक्टर और बिग बॉस 13 विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस से लेकर दोस्त और परिवार सभी सदमे में हैं। उन्हें अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं हो सका कि अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के 4 दिन बाद परिवार ने सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए एक प्रेयर मीट का आयोजन किया है, जिसमें उनके फैंस भी शामिल हो सकेंगे।